से मैं दिल्ली से अभी क्या इनपुट आपको मिल रहे हैं? देखिए अब सुबह के बाद अब दोपहर होने को आ रही है और अभी जो शाम होते होते बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए जो है सचिन पायलट पहुंच सकते हैं शाम को 5 या 6 बजे के बीच में, ऐसी जानकारी अब तक सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। ये राहुल गांधी के ऑफिस की तरफ से उनसे संपर्क किया गया है, जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त कर रहे थे और अगर सचिन पायलट 5 और 6 बजे के बीच में अगर मिलने के लिए पहुँच पाते हैं राहुल गांधी से, तो यह मामला हो सकता है किसी बात पे जाकर सुलह हो जाए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और अगर नहीं पहुंचते हैं तो यह मामला बड़ा हो जाएगा। और जो दूसरा एंगल से जो बातचीत चल रही है, दूसरे एंगल से जिस तरीके से बीजेपी का एंगल देखा जा रहा है और बीजेपी के संपर्क की बात की जा रही है, वो बात पुख्ता हो जाएगी और बीजेपी में जाने के जो रास्ते हैं वो और ज्यादा आसान हो जाएंगे, इस तरीके से अभी तक की आशंकाएं जताई जा रही है। जिस तरीके से बीजेपी का एंगल देख रहे हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि जो मध्य प्रदेश का पैटर्न जो था, जिस तरीके मध्य प्रदेश में सरकार गिराने को लेकर जो पूरा जो प्रोसेस किया गया था, उस वैसा ही राजस्थान में करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वहां के विधायकों को बहला फुसला करके यहां जो है मानेसर होटल में लाया गया था, उसी तरीके से राजस्थान के विधायकों को भी उसी पैटर्न पर यहां मानेसर लाने की बात चल रही है। बिल्कुल, बात देखिए कि हरियाणा जो बीजेपी शासन राज्य है, ठीक है, लेकिन एक बात और जवाब आपसे चाहेंगे तुरंत, बीजेपी के लोग अपडेट आ रही है, ये लगातार इस तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं। राहुल गांधी ने शाम 5 बजे का क्या वक्त वाकई में दिया सचिन पायलट को मिलने के लिए, कुछ इसमें पुख्ता हुआ? सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी मिलने के लिए उनको बुलाया है 5 और 6 बजे के बीच में। अगर 5 और 6 बजे के बीच में अगर सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलने पहुंचते हैं तो इस बात का आसार है कि वो समझौता कुछ हो सकता है, सुलह हो सकती है और राहुल गांधी जो हो सकता है स्टेट और जो अविनाश पांडे उनके साथ में मिलकर के बात करके कहीं बीच का रास्ता, सुलह का रास्ता निकाल सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और अगर नहीं पहुंचते हैं तो फिर वो दूसरा एंगल लागू हो जाता है, बीजेपी के जो संपर्क वाली बात है वो पुख्ता हो जाती है और वो मजबूत भी हो जाती है और आगे बीजेपी के एंगल से देखना शुरू हो जाते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के संपर्क में और कौन कौन उनके साथ में और किस तरीके से बीजेपी के की तरफ जो जा सकते हैं। लेकिन इसमें मनोहर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी दिखाई पड़ रही, कॉम्प्लिकेशन इस सेंस में कि एक तरफ एसओजी की तरफ से कुछ बातें कही जाती हैं, फिर उसमें एसीबी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी यह कोट किया जाता है कि वो लगातार एसओजी का सहयोग करेंगे और कानून से कोई ऊपर नहीं होता। जहां तक बात पॉलिटिशियंस की है, खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, वो बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ स्थिर है, लेकिन जयपुर की बात को लेकर दिल्ली में चर्चा चल रही है, तो मतलब अगर कई एंगल्स को आप जोड़ें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पॉइंट टू पॉइंट दिखाई पड़ते हैं कि क्या होगा अभी कुछ पता नहीं। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो सियासी जो घटनाक्रम है लगातार जो जिस 2 दिनों से चल रहा है उसमें जयपुर और दिल्ली का कनेक्शन साफ तौर से दिख रहा है। बीच में जिस तरीके से स्टॉपेज है, एक वो सिर्फ ये है कि वो सचिन पायलट कहाँ पर हैं, उनके साथ कितने लोग हैं, ये तमाम चीज़ें देखी जा रही है। ये एक सीन क्लियर तब हो जाएगा जब शाम को सीएम ने सब विधायकों को बुलाया सीएम हाउस में और जितने प्रेजेंट होंगे उसके बाद जो शेष बचेंगे या नहीं आ पाए उनसे सीधा सा ये अर्थ निकाला जाएगा कि वे लोग नाराज हैं या सचिन पायलट के साथ में वो नहीं पहुँच पाए। तो ये सीधी गणित बन जाएगी कि तब सरकार के साथ कितने लोग हैं और पायलट के साथ कितने लोग हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि टाइम जो दिया गया है उनको मिलने के लिए, उस टाइम पर सचिन पायलट पहुंच पाते हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद की जो क्या जो है समीकरण रहेगा वो देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। और बीजेपी के संपर्क में है तो किन नेताओं के संपर्क में है, स्टेट के नेता है या सेंटर के नेता है, कौन है और ये पूरी डील कौन इसमें कर रहा है, ये तमाम चीजें निकल के शाम 6 बजे सामने आएगी। और उसके बाद ठीक है, शाम 5 से 6 बजे तक का इंतजार इसलिए भी करना पड़ेगा मनोहर, क्योंकि जल्दबाजी में या कोई प्रीमैच्योर